हेलो फ्रेंड्स, तो ये जेई एडवांस्ड 2014 का एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है। इन द फिगर अ कंटेनर इज शोन टू हैव अ मूवेबल पिस्टन ऑन टॉप। ये टॉप वाला पिस्टन मूवेबल है विदाउट फ्रिक्शन। द कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल अलाउइंग नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कंटेनर। जो पिस्टन है और जो वॉल्स है कंटेनर की, ये सब परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ठीक है। द कंटेनर इज डिवाइडेड इंटू टू कंपार्टमेंट्स बाय अ रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ अ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। जो पार्टीशन है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, दैट अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ 2 moles ऑफ द गैस। तो जो लोअर कंपार्टमेंट है वो 2 moles से भरा है। कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक गैस। कितने टेम्परेचर पे? 700 पे। और जो अपर कंपार्टमेंट है वो भी 2 moles से भरा हुआ है, लेकिन कैसी गैस है? डायटॉमिक गैस। कितने टेम्परेचर पे? 400 केल्विन। द हीट कैपेसिटीज पर मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस आर। तो ये सीवी सीपी हमको दे रखा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए और डायटॉमिक गैस के लिए। क्वेश्चन है पहला इसमें, कंसीडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड so that it does not move. When equilibrium is achieved, the final temperature of the gas will be. तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि ये वाला जो पार्टीशन है, ये वाला जो पार्टीशन है ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्टीशन शुरू में ही दे रखा है कि ये कैसा है, मूवेबल है, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, क्योंकि देखो पहले दे रखा था अपने को ये कि जो मूवेबल पिस्टन है टॉप पे, तो ये अगर पार्टीशन फिक्स है और इधर का टेम्परेचर जो है ये हाई टेम्परेचर पे मोनोएटॉमिक गैस है और ये लो टेम्परेचर पे डायटॉमिक गैस है, तो क्या होगा? लोअर कंपार्टमेंट से हीट अपर कंपार्टमेंट में जाएगी, और क्योंकि बीच वाला पार्टीशन जो है कंडक्टिंग है, तो फाइनली दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। और क्योंकि पूरी वेसल और ऊपर वाला पिस्टन ये नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, यानी कि कोई भी नेट हीट का लॉस नहीं होगा। यानी कि ये जो मोनोएटॉमिक गैस है लोअर कंपार्टमेंट में, ये जितनी हीट देगी उतनी अपर कंपार्टमेंट वाली गैस हीट लेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, वो हीट गेन्ड बाय डायटॉमिक गैस हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू ऑफ मोनोएटॉमिक प्लस डेल्टा क्यू ऑफ डायटॉमिक इज इक्वल टू 0। नेट हीट का जो लॉस है वो 0 हो जाएगा अगर टोटल देखें, या अलग से हम ऐसा बोल सकते हैं हीट लॉस बाय मोनोएटॉमिक इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय डायटॉमिक। अच्छा, अब क्योंकि ये पिस्टन फिक्स है तो मोनोएटॉमिक का जो प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होगा, और ये वाला पिस्टन जो है ये मूवेबल है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला और धीरे धीरे मूव कर रहेगा ये, तो ये प्रोसेस को हम आइसोबैरिक मान सकते हैं। तो मोनोएटॉमिक के लिए जो हीट लॉस है वो क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, और डायटॉमिक के लिए हो जाएगा एन सी पी, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ये प्रोसेस, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो मोनोएटॉमिक के कितने मोल्स दे रखे हैं? 2। मोनोएटॉमिक का सी वी कितना है? 3/2 R, तो 2 × 3/2 R। डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो मान लो जो फाइनल कॉमन टेम्परेचर है वो हो गया टी, तो डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी माइनस 700 ये आ जाएगा। प्लस डायटॉमिक के लिए भी एन 2 है, उसके लिए CP लेना है, तो डायटॉमिक का CP कितना है? 7/2 R। डेल्टा T, तो T फाइनल यहाँ पे T हो जाएगा और इनिशियली कितना है? 400, और ये किसके बराबर होगा? 0। तो देखो ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, R दोनों जगह का कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 है क्योंकि। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 3T माइनस 2100 प्लस 70 माइनस 2800 इज इक्वल टू 0। तो 10T इज इक्वल टू 4900 आ जाएगा। तो जो T है ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 490 केल्विन।
तो ये टेम्परेचर आ जाएगा जो कॉमन टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा है, नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन। तब ये वाला पार्टीशन भी मूवेबल है, फ्री टू मूव है, ठीक है, और टॉप वाला भी फ्री टू मूव है। सो दैट प्रेशर ऑफ गैसेज इन दी बोथ कंपार्टमेंट इज सेम, तो दोनों कंपार्टमेंट प्रेशर क्या रहेगा, सेम। देन टोटल वर्क डन बाय दी गैसेज टिल दी टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम, तो जब वो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे तो टोटल वर्क डन बाय गैस क्या होगा। तो हम दोनों को ही कैसा मान सकते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस मान सकते हैं। अच्छा, इसमें भी हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा पहले, तो आइसोबैरिक मान में भी हम यही करेंगे, जो डेल्टा क्यू है, क्योंकि अभी भी कंटेनर जो है और जो पिस्टन ऊपर वाला है वो इंसुलेटिंग है, तो पूरे सिस्टम का नेट हीट लॉस जीरो होगा। तो डेल्टा क्यू ऑफ मोनोएटॉमिक प्लस डेल्टा क्यू ऑफ डायएटॉमिक विल बी जीरो। मान ले दोनों का फाइनल टेम्परेचर टी हो गया। अब लेकिन दोनों प्रोसेस कैसे हैं, आइसोबैरिक, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी पी डेल्टा, ठीक। तो एन कितना हो गया, टू। सी पी मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो गया, फाइव बाय टू आर। और डेल्टा टी जो है वो क्या हो जाएगा, टी माइनस 700 मोनोएटॉमिक के लिए। डायएटॉमिक के लिए भी मोल्स हैं टू, सी पी हो जाएगा 7/2 आर, और डेल्टा टी हो जाएगा टी माइनस 400 इज इक्वल टू जीरो। तो फिर से ये टू से टू कट गया, यहाँ भी टू से टू कट गया, आर दोनों जगह से कट जाएगा, तो ये आएगा 5t माइनस 3500 प्लस 7t माइनस 2800 इज इक्वल टू जीरो। तो 12t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0, 8 और 5 हो जाएंगे 13, और ये आ जाएगा 2 3 6 6300। तो टी जो है ये आ जाएगा 6300 बाय 12। इसको पहले हम 3 से कैंसिल करें तो नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा 2100, और ये आएगा 4 × 5 = 20, फिर 4 × 2 = 8, फिर बचा 20, तो 525 केल्विन। अब क्या पूछा है, टोटल वर्क डन बाय दी गैसेस, तो जो टोटल वर्क होगा वो वर्क डन बाय मोनोएटॉमिक प्लस वर्क डन बाय डायएटॉमिक होगा। और दोनों का क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन को क्या लिख सकते हैं हम, सीधे एन आर डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी ऑफ मोनोएटॉमिक प्लस एन आर डेल्टा टी ऑफ डायएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक के कितने मोल्स हैं, 2 × R, और डेल्टा टी, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 525। इनिशियली मोनोएटॉमिक का कितना था, 700, तो 525 माइनस 700 ये आ जाएगा, प्लस डायएटॉमिक के लिए 2 मोल्स हैं, R को R रहने दें क्योंकि आंसर R की टर्म्स में ही है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 525, इनिशियली कितना है, 400। तो ये आ जाएगा 525 माइनस 700 करेंगे तो माइनस 175 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 350 आर। और यहां पे 525 माइनस 100 125 इंटू 2 करेंगे तो 250, तो प्लस 250 आर, तो ये आ जाएगा माइनस 100 आर। तो ये आंसर जो है फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।